उत्तम सत्य धर्म पर धाना, सत्य समझ बिन नहीं कल्याणा। तीर्थ प्रवर्ते सत्य वचन से, होये प्रतिष्ठा सत्य धर्म से। सत्य धर्म सबको सुखदाई, झूठ दुखमय दुर्गतिदाई। बोलो हित मित प्रिय सत्वयना, अथवा शांत मौन ही रहना। वस्तु स्वरूप यथार्थ पिछानो, करके स्वानुभूति श्रद्धानो। तज पर भाव प्रमो निज ही में, प्रगटे सत्य धर्म जीवन में। नमो लोये सौरिहंतानम, नमो लोये सौदानम, नमो लोये सौरियानम, नमो लोये सौजयानम, नमो लोये सौत्रिकावती सावनम। ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिनः कामदं औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भूतमुनि, मंगलं कुन्कुंडारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलं नमस्मरिष्यामि। स्वानुभूत्या चास्ति चित्स्वाय भवाय सर्वम् विभाव निरुद्धनिदाता। आज पांचवा दिन है दस लक्षणी पर्व में से। दस लक्षणी पर्व का मूल तो दस धर्म है। चैत्र वंत को दस प्रकार का धर्म होता है। सम्यक दर्शन हो, आत्मा आनंद स्वरूप का अनुभव हो, और आनंद का स्वाद में जिसकी लीनता हो, उसको यहाँ चैत्र वंत कहते हैं, उसको मुनि कहते हैं। ये मुनि ने दस प्रकार का धर्म होता है। एक मुनि थी प्रधानता से कथम है। पांचवा आज उत्तम सत्य धर्म, पांचवा दिशा है ना आज तो। सत्य बोलना वो कोई धर्म नहीं, सत्य भाषा वो तो जड़ की है, और सत्य बोलने में जो विकल्प उठता है ये शुभ पुण्य राग है। सच धर्म तो इसको कहिए कि ये आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सच स्वरूप, जय स्वभाव सच्च चैतन ज्ञानानंद सत स्वरूप, उसका निर्मल वितराग परिणति पर प्रणमना, उसका नाम सच धर्म है। समझ में आया? सच बोलना वो तो भाषा जड़ है, ये कोई धर्म नहीं। तेम पंच महाव्रत का मैं सच बोलता बोलने में आता है, वो भी राग है। हाँ हाँ, पंच महाव्रत में सच व्रत आता है वो तो राग है। हाँ, धन्यवाद भाई। सच धर्म तो राग से रहित अपना जीन स्वरूप वितराग स्वरूप सच है। उसके आश्रय से वितरागता पने प्रणमना, सच स्वभाव पने प्रणमना। आवी बात है। मार्ग प्रभु नो वितराग का पंथ कोई अलौकिक है भाई। अचार्य तो सच बोलना ही धर्म, सच बोलना तो राग है। पंच महाव्रत में सच बोलना ही तो शुभ राग है, पुण्य है, ये धर्म नहीं। वाणी बोलना वो तो जड़ की क्रिया है, आत्मा की नहीं। अपना जीन वजन में भाषा ही तम पाले वो असकमान होगी,
व्यवहार में भी अलियम न बदई सो सचवाई सो। जो मणि जिन सूत्र के वचन को कहे अपनी कल्पना से कहे नहीं, उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ हो, तो झूठा न बोले। ऐसे भी चलते हैं, चारित्र ऐसा भी होता है, उसके माँ के भोजन करके चोखा करके लेना ये भी मार्ग है, हम नहीं कहे। समझ में आया? चोखा बनाकर उसके माँ के आहार लेते हैं और बोलते हैं दिन देने वाला आहार शुद्ध निषेध। तुम भी ऐसा झूठा बोले, बहुत दुख पहला किया था, बड़ा शहर खेत है, क्या साधु आवे बनावे आहार, मौसम्बी केरी का रस पानी ऊना जाओ और कहे आहार शुद्ध है। इसे क्या एक वक्त तो आप पक्षी को तो रात्रि को कहीं मिलता ही नहीं पानी का बिंदु भी, पशु है ना पंखी, रात्रि को कहीं मिलते नहीं एक बंदा पानी का, उसके क्या एक दिवस के खाते हैं तो भी पापी है ये। जीनी बात से भगवान आ तो जन्म मरण रहित कैसे हो, ये इतरा का मार्ग है। तो सत्य जिन वचन प्रमाणे बोले उसके मैं हार आदि बना हो और लेते हैं तो कई अचारे आकाले ऐसा भी होता है, ऐसा झूठा न बोले। क्यों जी जी आहार शुद्ध वचन शुद्ध मन शुद्ध बोलते हैं कि नहीं, ये तो झूठा है। उसके मैं जो पानी बनाया जल मौसमी लाया नया आहार शुद्ध कहां से आया, आया तो जिन वचन अनुसार कहे बिल्कुल वितराग का मार्ग से ऊंचा अवस्था के विपरीत कहे नहीं, और अंतर में वितरागता की परिणति जागी हो। ये वितरागी परिणति को यहाँ सच धर्म कहने में आता है। ये क्या उसमें भी पालन करने में असमर्थ हो तो अन्यथा नहीं कहे, और जो व्यवहार से भी आहार आदि के पूजा प्रभावना में भी व्यवहार से भी झूठा न बोले। भाई पूजा प्रभावना का भाव है, ये राग है, ये धर्म नहीं पुण्य है, आ व्यवहार से भी झूठा न बोले। समझ में आया? यह मुनि सचवादी है, उसके उत्तम सत्य धर्म होता है, विशेष लिखा है उसमें। जैन सिद्धांत में आचार्य आदि का जैसा स्वरूप कहा वैसा ही कहे, ऐसा नहीं कि अपने में पालन किया न जाए तो अन्य प्रकार कहे यथावत न कहे, अपना अपमान हो जाए, ऐसा नहीं। जमेते हो अपमान हो बापू, प्रभु का मार्ग तो चारित्र विदरागता की परिणति चारित्र है, उसमें आहार पानी का निर्दोष लेना उसके माटी बनाया न लेना ये भी विकल्प शुभ राग है। समझ में आया? और उसके माटी बनाया लेना ये तो पाप राग है, ये तो व्यवहार भी अशुद्ध है, निश्चय तो सम्यक दर्शन तो है नहीं उसको, कहने हो तो ऐसा निर्दोष दोष आप ले नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही सत्य धर्म की व्याख्या है।